है गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बाइक पॉइंट। दोस्तों मैं आज आपको 1818 मो ग्रिप मेटियोर एम प्लस टायर का रिव्यू करके दिखाने वाला हूं। जी हां दोस्तों, ये टायर आपके रियर ट्यूबलेस एलाई व्हील में फिट होने वाला है। लेकिन दोस्तों ये टायर ऑफ रोडिंग, हाईवे और सिटी राइड के लिए कितना बेहतर है, मैं आज मेरी इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारी वीडियो के आगे की तरफ। मैं हूं आपका अपना दोस्त आसिफ खान और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल बाइक पॉइंट को। तो चलो चलते हैं हमारी वीडियो के आगे की तरफ। हाँ तो गाइस, मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए 1818 मो ग्रिप मेटियोर एम ट्यूबलेस टायर। दोस्तों देख सकते हैं मेरे हाथ में ये 1818 मो ग्रिप मेटियोर एम ट्यूबलेस टायर है। अगर आपके पास स्प्लेंडर प्लस, HF डिलक्स, होंडा साइन, ड्रीम योगा या फिर होंडा साइन या लीवो जैसी अगर बाइक है, तो आप उसके पीछे वाले एलॉय व्हील में इस टायर को फिट कर सकते हैं। ये 1818 मो ग्रिप मेटियोर एम प्लस ट्यूबलेस टायर हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप अगर ऑफ रोडिंग और हाईवे और सिटी राइड के लिए अगर टायर डालने वाले हैं, तो आप इसे ऑफ रोडिंग और सिटी राइड में यूज़ कर सकते हैं। हाईवे राइडिंग के लिए मैं इसको नहीं कहूँगा कि आप अपनी बाइक में डालें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हाईवे राइडिंग के लिए मुझे सही नहीं लगता है। सिटी राइडिंग में ये आपको ब्रेकिंग सिस्टम में काफ़ी मदद करने वाला है। इसके ब्लॉक सिटी राइडिंग में ब्रेकिंग सिस्टम में आपको काफ़ी मददगार साबित होने वाले हैं। साथ ही ऑफ रोडिंग की बात करूँ तो ऑफ रोडिंग में भी ये एक अच्छा टिकाऊ रहेगा। दोस्तों इसके रबर कंपाउंड की बात करूँ तो हार्ड और सॉफ्ट रबर कंपाउंड से ये टायर बना हुआ है। साथ ही अगर इस टायर की मैं बात करूं कि ये मो ग्रिप मेटियोर एम प्लस टायर क्यों है, तो मैं आपको बता दूं कि कंपनी ने इसके मटेरियल में कुछ चेंजेस किया है। पहले मैंने वीडियो बना के बताई थी कि 1818 में ये टायर साइड से, यहाँ पर जो साइड की वॉल है यहाँ से ये टायर क्रैक होने की प्रॉब्लम इसमें काफ़ी दिखाई देती थी। लेकिन अब कंपनी का ये कहना है कि अब इस टायर में 1818 मो ग्रिप मेटियोर एम प्लस टायर के रबर में कुछ इन्होंने चेंजेस किया है, जिसकी वजह से ये साइड से क्रैक नहीं होगा, और साइड से अगर क्रैक भी होता है तो कंपनी इसे पीस टू पीस रिप्लेस कर देगी। तो आप अगर सिटी राइड और ऑफ रोडिंग में अगर यूज़ करना चाहते हैं, तो अपनी बाइक में 1818 और मो ग्रिप मेटियोर एम प्लस ट्यूबलेस टायर 318 भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप टायर डालने वाले हैं तो एक बार इस टायर को ज़रूर यूज़ करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप कहां से और कहां से इस टायर को आप परचेस करने वाले हैं। ये मार्केट प्राइस इसकी समथिंग 1800 से 1750 के बीच में आपको विद फिटिंग मिल जाएगा। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।